की वीडियो में हम स्पेसिफिकली बात करेंगे कि भैया 1.5 डेज का एग्जाम में कौन कौन सी चीजें लेके जानी चाहिए और स्पेशल टिप्स बताऊंगा एग्जाम के लिए कि भैया ये टिप्स का ध्यान में रखना सो दैट आपके कहीं कहीं मार्क्स बढ़ जाएंगे। वीडियो को एंड तक देखेंगे, अच्छा लगेगा तो दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज बात करते हैं अभी कि भाई एग्जाम से आने के बाद आपके पास टोटल टाइम कितना अवेलेबल है। ध्यान से देखो, एग्जाम से आने के बाद सबसे पहले इंपॉर्टेंट, यू आई अज्यूमिंग दैट कि जिस दिन आप पेपर देकर आ रहे हो उस दिन आप पढ़ोगे 5 घंटे, यू हैव 5 आवर्स। नेक्स्ट डे यू विल स्टडी ऑन एन अप्रोक्सीमेटली फॉर 13 आवर्स, प्लस उसके बाद वाले दिन यू ऑन एन अप्रोक्सीमेटली विल बी एबल टू स्टडी फॉर 6 आवर्स, तो विच कम्स टू 24 आवर्स। मोटा मोटी आपके पास 24 घंटे है, आप 24 घंटा पढ़ सकते हो रिस्क मैनेजमेंट को। इफ आई मल्टीप्लाइड बाय 60 विच कम्स टू 1440 मिनट्स, हर एक मिनट का कैलकुलेशन होना चाहिए, मुझे पता होना चाहिए कि भाई ये टाइम में ये चीज मैं करने वाला हूं, तभी जाके RM में 80+ लाएंगे। और इस बार तो हम कोशिश करेंगे कि भैया इस अटेम्प्ट में हम 80+ का टारगेट करें। अब सबसे इंपॉर्टेंट मैं इसको एलोकेशन बता देता हूं चैप्टर वाइज किस तरीके से कैसे पढ़ना है। सबसे पहले आपको, मैंने एक वीडियो डाला था कि एंटायर कवरेज ऑफ रिस्क मैनेजमेंट इन 1 आवर, हो सके तो आप वो वीडियो देख लेना, उससे आपको एक ओवरव्यू स्टार्ट हो जाएगा। प्लस आपको ऐसा लगेगा कि हाँ यार 40 मिनट में मैंने पूरा सब्जेक्ट मोटा मोटी पढ़ लिया है। तो वीडियो मैं दिखा देता हूँ, आप यूट्यूब चैनल पे मेरे जाना, शिवम पलन सर्च करना, हमारा जो प्ले लिस्ट है वहां पर चले जाना रिस्क मैनेजमेंट का, ये वाला वीडियो आपको दिख रहा है, वाला वीडियो एंटायर कवरेज, ये वाला वीडियो आप देख लेना। उसके बाद आपको ये देखने के बाद आपको किस सीक्वेंस में चैप्टर फॉलो करना है, आपको सीक्वेंस में फॉलो करना है चैप्टर 1, 8, 2, 3 एंड 4, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो 5 चैप्टर है लिंक्ड है भैया, काफी लोग को तो पता ही नहीं है चैप्टर्स लिंक्ड है, बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूरे चैप्टर्स लिंक्ड है। अगर आपने कभी ध्यान से पढ़ा होगा या आपने मेरी कोई कंसेप्ट बिल्डिंग बैच देखी होगी तो आपको ये चीज बहुत बढ़िया से समझ में आई होगी। चैप्टर 1, 8, 2, 3 एंड 4, ये पूरे चैप्टर लिंक्ड है, इसको अलग अलग नहीं पढ़ा जा सकता। नेक्स्ट आता है, उसके बाद आपको ये चैप्टर्स के लिए मैंने टाइमिंग डाल दी है, आप जैसे जैसे इस चैप्टर्स को कंप्लीट करते जाओगे आपको यहाँ पे लिखना है टारगेट अचीव हुआ है कि नहीं, कि इसका प्रिंट आउट लेके रख लो सो दैट एग्जाम डे पे आपको पता होगा कि भैया ये चीज अगर आपकी कंप्लीट नहीं हुई तो जैसे ही कंप्लीट नहीं, विल बी एबल टू कम टू नो दैट यू आर नॉट गोइंग ऑन अ टारगेट, और कहीं ना कहीं आपका सिलेबस आप छोड़ जाओगे। अगर आप 100% कोई भी चीज को कवर करके जाते हो, एक कॉन्फिडेंस अलग ही होता है भैया, आपको लगता है कि मैं इस बार आग लगाऊंगा, और ये आग लगाने वाली फीलिंग कब आएगी, जब आप कोई भी चीज को 100% जाओगे। नेक्स्ट आपको फिर SFM का पोर्शन कवर करना है। SFM के लिए मैं एक और चीज बता देता हूँ कि काफी लोगों को लग रहा होगा कि SFM का क्वेश्चंस नहीं आते, कुछ कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं। अब इसका कोई फिक्स मार्क्स नहीं है, फिक्स परसेंटेज नहीं है, अभी तक के ऑन एन एवरेज में देखूँ तो 5 से 10 मार्क का पूछा है, एक केस स्टडी में पूछता है ऑन एन एवरेज, है ना, 5-6 मार्क का कभी पूछ लेता है एक केस स्टडी में। ज्यादातर IPCC का पोर्शन पूछा है, IPCC का इन्होंने क्वेश्चन पूछा है। एक और चीज, SFM का फॉरेक्स का जो चैप्टर है उसका पेजेस 90 पेज वाला है कि नहीं आप चेक कर लेना, इंस्टीट्यूट का जो मटेरियल है ना, उन्होंने अभी चेंज किया टॉपिक में, कुछ कंटेंट ऐड किया है, 90 पेजर है या नहीं वो आप चेक कर लेना आपके पास जो प्रिंट आउट है उसमें। उसके बाद आपको पढ़ना है सर फुल बैच के नोट्स या कंसेप्ट बिल्डिंग के नोट्स, जो भी आपने बैच लिया है या जो भी आपने बैचेस देखी है उसके आपको नोट्स पढ़ने। अगर किसी ने कुछ भी नहीं करा है तो एटलीस्ट आप फुल बैच के नोट्स का प्रिंट आउट लेके जाना भाई प्लीज, उसमें से मुझे लग रहा है कि कुछ ना कुछ देगा, बिकॉज उसमें मैंने बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स, टॉपिक और कुछ नई नई चीजें इंक्लूड की है जो काफी इंपॉर्टेंट है, रिलेवेंट है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। उसके बाद आपको क्वेश्चन सॉल्विंग पे जाना है। अब ये नहीं कि आप एग्जाम के दिन पे देख रहे हो कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, यू नीड टू जस्ट ओवरलुक इट कि भाई ये केस स्टडी में इस टाइप का ये क्वेश्चन पूछा था एग्जाम में आया, तो ये चीज यहां से लिखना है। ऑल्दो हमने हर चीज के लिए बहुत तगड़े लेवल पे इंडेक्स प्रोवाइड कर दिया है, वो आपको कहां पे मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक पे मिलेगा, ये PDF फाइल भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक पे मिल जाएगी। cabong.com वेबसाइट पे जाना, फ्री रिसोर्सेस में जाना, हर चीज का आपको दवा मिल जाएगी। सर आपको एब्रीवेशन शीट चाहिए, क्वेरी शीट चाहिए, आत्मनिर्भर बुक चाहिए, सर आपको फुल बैच की नोट्स चाहिए, कंसेप्ट बिल्डिंग बैच की नोट्स चाहिए, जो भी चीज चाहिए cmong.com वेबसाइट इज अ सॉल्यूशन फॉर एवरीथिंग। ठीक है, वहां पे जाने के बाद आपको मिलेगा क्या, मॉक टेस्ट पेपर। आप देखो आपको क्या करना है, मॉक टेस्ट पेपर जो भी पुराने हुए हैं उसका मैंने मार्किंग भी कर दिया कि कौन कौन से रिपीटेटिव केस स्टडी वो आप सॉल्व नहीं करेंगे, जो नए क्वेश्चन है वो आप एक बार ऊपर ऊपर से देख लेना, जो रिपीटेटिव है वो देख के कोई मतलब भी नहीं है। राइट, अब जैसे केस स्टडी डाइजेस्ट नया आया था उसके भी क्वेश्चन नंबर 15, 16, 17, 18 ये मैंने आत्मनिर्भर बैच में इंक्लूड किया, कंसेप्ट बिल्डिंग फुल बैच में सब जगह इसे इंक्लूड कर दिया है। पास्ट एग्जाम पेपर्स सभी को कितना केस को कितना टाइम देना है, बेस्ड ऑन द लेवल ऑफ अ पेपर आई हैव एलोकेटेड द टाइम कि भैया इतना टाइम इस पेपर को यहाँ पे देना है। ठीक है, नेक्स्ट आता है सर आपने ये सब की चीजें कर ली, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हर वो चीज आप ध्यान से देख के जाना। अब उसके साथ साथ आपको स्टार्ट करना है क्या, कंसेप्ट बिल्डिंग, हमारा कंप्लीट गाइडेंस मॉड्यूल, जो हमारा कंप्लीट गाइडेंस बुक है वो आपको उसमें से जो इंपॉर्टेंट MCQs है आपने जो मार्क करके रखे वो आपको देखने हैं।
प्लस ऑल्सो जो हमारे एटम बुक है उसके भी आपको जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज लगते हैं वो भी आपको एक बार देख लेना है, बिकॉज मैंने हमेशा इंडेक्स में भी इंक्लूड करके रखा था और बोला था कि आपने इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज और या इंपॉर्टेंट जो आपको क्वेश्चंस लगते हैं वो आप देख लो ऑलरेडी अगर आपको लगता है, तो मैंने लिस्ट ऑफ एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आपको कहां पे मिलेगा cmong.com फ्री रिसोर्सेज में, वहां पे मैंने ऑलरेडी डाल के रखे कि ये लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, एटलीस्ट आप इतने देख लो। नेक्स्ट आता है पेज नंबर 282, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, काफी सारे क्वेश्चन आए इस पेज से। इस पेज में है क्या सर, इस पेज में है टाइप ऑफ रिस्क और उसके मिटिगेशन टेक्निक्स। ये अगर रिस्क रहा तो कंपनी ने किस तरीके से उसे मिटिगेट करना है, बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं और उस चीज का मैंने पूरा टेबल डाल दिया है पेज नंबर 282, कहां पे मिलेगा कंप्लीट गाइडेंस मॉड्यूल में मिलेगा आपको। नेक्स्ट आता है सर उसका रिस्क एंड इट्स मिटिगेशन के बारे में, मैंने कंप्लीट गाइडेंस बुक में काफी डिटेल में डिस्कशन किया है, उसके पेजेस बहुत सारे हैं, बस हाँ उसको आप ओवरलुक कर लेना, एग्जाम में कुछ क्वेश्चन आएगा आपको मदद हो जाएगी। द सेम वे में मैंने रियल लाइफ फ्रॉड्स बहुत सारे बोले, जैसे सत्यम का हो गया, बहुत सारे ऐसे ऐसे फ्रॉड्स के बारे में बात की है, तो वहां पे आप जस्ट पेजेस देखो, देख लो कि भाई कौन कौन सा रिस्क है, कौन से फ्रॉड में कौन सा रिस्क है, जस्ट पेजेस टर्न आउट कर लो, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, मदद करेगा आपको कहीं ना कहीं आपके मार्क्स बढ़ाएगा। नेक्स्ट है आपको एक चेक ऑन द इंप्रूवमेंट पॉइंट्स मिस्टेक्स डन ऑन फुल सब्जेक्ट टेस्ट, जो भी आपने फुल सब्जेक्ट टेस्ट दी है उसके जो भी आपको इंप्रूवमेंट पॉइंट्स है उस पर काम करना है। प्लस ऑल्सो फुल सब्जेक्ट 1, 2 and 3 जो मैंने ली है, मैंने अभी तक 3 टेस्ट लिए अलग अलग रिस्क मैनेजमेंट की, कि आपको इसमें जो भी आपने पेपर देखा है तो उसके आप जो भी मिस्टेक्स किए हो वो आप देख लो। फुल सब्जेक्ट टेस्ट कंप्लीट गाइडेंस बुक के साथ मिली होगी, फुल सब्जेक्ट टेस्ट 2 एटम बुक के साथ मिली होगी, फुल सब्जेक्ट टेस्ट 3 चैंपियंस लीग जो हमारी हुई थी स्पेसिफिकली जो हमने टेस्ट सीरीज कंडक्ट की थी वहां पे आपको ये पेपर मिल जाएंगे। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इंडेक्स आपको अच्छे से गो थ्रू करके जाना है, एटलीस्ट 2 बार इंडेक्स पढ़ना, इंडेक्स की मदद से आपको आंसर्स ढूंढने में मदद करेंगे। इंडेक्स ऑल्सो इंक्लूड एब्रीवेशन शीट, एब्रीवेशन शीट बहुत ही मजेदार लेवल पे बनाई है, ध्यान से देखना आपको मदद करेगी कि कौन सी चीज कहाँ पे है, अल्फाबेटिकली हमने बनाया है कि भाई ये चीज आपको ये पेज नंबर पे जाके ढूंढने में मदद। नेक्स्ट कोई भी आप दूसरे स्टफ है जो भी चीजें हैं वो सब चीजों के लिए आपको अच्छे से देखना होगा कि भाई ये चीज आपको यहाँ पे है, जैसे एग्जांपल हो गया रिस्क रिपोर्ट और कई सारी, मैंने इंटीग्रेटेड रिपोर्ट हो गया, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट हो गया, तो ये सब चीजों के बारे में एक बार ओवरव्यू कर लेना, कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है वो चीज। तो ऑन एंड अप्रोक्सीमेटली ये चीज सब चीजें आप जब करोगे आपके पास टोटल टाइम आपका खत्म हो जाएगा, विच कम्स टू 1445। एकदम प्रैक्टिकल लेवल पे बात करते भी, हम थ्योरी लेवल पे बात नहीं करते कि हाँ यार इतना टाइम है, इतने टाइम में अगर आपने कंप्लीट किया तो ही आपका 100% रिस्क मैनेजमेंट सिलेबस कंप्लीट हो पाएगा, तो ही आपको एग्जाम में पहले जाने के पहले एक अच्छा सा कॉन्फिडेंस। नेक्स्ट आते हैं सर कौन कौन सी चीजें लेके जाना है एग्जाम हॉल में, ध्यान से सुनो इसको, सबसे पहला आपको लेके जाना है आईसीएफ मटेरियल, आईसीएफ बुक और उसके साथ साथ इंडेक्स ऑफ द बुक प्लस एब्रीवेशन शीट, ध्यान से रखो यार ये 3 चीज तो होना ही चाहिए साथ में। अब आईसीएफ बुक में तुम्हारा मार्किंग किया होना चाहिए अच्छे से, नंबर वन थिंग। सेकंड थिंग व्हाट यू नीड टू डू इज कि उसमें आप चैप्टर वाइज स्टिकी नोट लगा के रख लो, चैप्टर 1 यहां से ओपन हो रहा है, चैप्टर 2 यहां से ओपन हो रहा है, चैप्टर 3 यहां से ओपन हो रहा है, चैप्टर 4 यहां से ओपन हो रहा है। उसके बाद कंप्लीट गाइडेंस बुक जो मेरी बुक है मैं दिखा भी देता हूं, एक सेकंड, कंप्लीट गाइडेंस बुक है और ये आइटम बुक है, ये दोनों बुक आपके पास होनी चाहिए व्हेन यू आर गोइंग टू एन एग्जाम हॉल, बिकॉज लास्ट टाइम भी काफी सारे क्वेश्चंस इसमें से आ गए थे और एग्जाम हॉल में जिनके पास ये बुक थी काफी स्टूडेंट्स खुश हो गए थे, राइट। तो उसका भी मैं एक बार शेयर कर दूंगा कि कौन से क्वेश्चन हमारी बुक से डायरेक्टली आए थे, राइट। तो वो बुक आपको काफी इंपॉर्टेंट हेल्प करेगी, प्लस SFM और IPCC का चैप्टर का प्रिंट आउट और उसका इंडेक्स। पास एग्जाम पेपर्स जिसको मैं जनरली मैंने कंबाइन करके कहां पे रखा है, आत्मनिर्भर बुक के नाम से रखा है, जिनके पास आत्मनिर्भर बुक होगी उसमें ये 4 चीजें अपडेटेड नहीं है, प्लीज आप ध्यान रखो। एक है केस स्टडी डाइजेस्ट जिसकी 4 केस स्टडीज न्यू है, कौन सी 4 नई केस स्टडीज है मैंने यहां पे भी मार्क करके रखा है, 15, 16, 17, 18 ही सॉल्व करना है, बाकी जो है वो कॉपी पेस्ट है, मतलब कहीं ना कहीं पास्ट अटेम्प्ट से उठाइए, MTP से उठाइए, राइट। तो वो सॉल्व करने का जरूरत ही नहीं, बिकॉज वहां पे ऑलरेडी कवर हो चुकी है, राइट। तो आपको केस स्टडी डाइजेस्ट जिसका मैंने क्वेरी शीट भी ऑलरेडी डाल दिया है कहां पे मिलेगा सर, cmong.com फ्री रिसोर्सेज में। केस स्टडी डाइजेस्ट लेके जाना है, नवंबर 20 का पेपर, जनवरी 21 का पेपर और मॉक टेस्ट पेपर ऑफ अप्रैल 21। उसके बाद आपको कंसेप्ट बिल्डिंग या फुल बैच के नोट्स, अब जिन्होंने जो बैच लिए वो बैच के आप नोट्स लेके जाओ, बट जिन्होंने कुछ भी नहीं लिया है आप एटलीस्ट फुल बैच के नोट्स लेके जाइए। और मैं ये भी रिकमेंड करूंगा जिन्होंने कंसेप्ट बिल्डिंग लिया वो फुल बैच के भी नोट्स लेके जाओ, बिकॉज देखो दो चीज ज्यादा रहेगी कोई कम नहीं, बट दो चीज कम नहीं रहना चाहिए। एग्जाम हॉल में ये नहीं लगना चाहिए कि भैया ये चीज डायरेक्टली सर की बुक से आ गई और मेरे पास बुक नहीं थी, यार बहुत दुख हो रहा है। तो मैं बोल रहा हूँ कि जिनको लगता है कि यार हाँ मेरे पास ये बुक नहीं है, आप ऑर्डर करना चाहते हो तो ऑर्डर कर लो, बिकॉज यू नेवर नो कौन सी चीज कहाँ से कब आ जाएगी किसी को नहीं पता, राइट। और भी अदर रेफरेंस मटेरियल जो भी आपके पास है वो चीज आप अच्छे से देख लेना।
ऑल द वेरी बेस्ट। एग्जाम के दिन मैं कोशिश करूंगा लाइव जूम पे आ जाऊं, जो भी रियल टाइम डाउट्स रहेंगे पूरे सबके रिजॉल्व करके जाऊंगा, बिकॉज आई डू नॉट वॉन्ट स्टूडेंट टू बी ऑन अ स्ट्रेस। मैं ये चाहता हूं कि हर वो स्टूडेंट 80+ लाए। जो भी मेरा स्टूडेंट है, जो मेरा स्टूडेंट नहीं भी है, मैं लाइव जूम कॉल पे आ जाऊंगा। मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। डेली हम 2 MCQ सॉल्व करते हैं, काफी इंप्रूवमेंट पे बिलीव कर रहे हैं। और तो और कोशिश यही रहेगा एग्जाम के दिन पे, मैं एग्जाम के एक दिन पहले मैं जूम कॉल पे आ जाऊं। जो भी डाउट्स है रियल टाइम पे आप रिजॉल्व करो, जाओ रियल टाइम पे रिजॉल्व करो, जाओ। ठीक है, ऑल द बेस्ट, बढ़िया से पढ़ना, टेंशन मत लो। कोई भी दिक्कत है मेरे से कनेक्ट हो जाओ टेलीग्राम पे। कहीं पे भी आपको लगता है कि भाई ये चीज नहीं बन रही है, कैसे करना, मेरे से कनेक्ट हो जाओ, आई विल हेल्प यू आउट। ठीक है, ऑल द बेस्ट। इस बार फोड़ के आना है, आग लगाना है, टारगेट 80+ अचीव करेंगे। और तो और दिखा देंगे कि भैया हम किसी से कम नहीं। ठीक है, चलो बाय बाय।